नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का पुरस्कार वितरण एवं शिक्षक सम्मान। अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में दिनांक 17 मार्च 2024 को गायत्री शक्तिपीठ एमपी नगर के अश्व सभागार में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्राचार्य का सम्मान समारोह रखा गया। छात्रों में नैतिक शिक्षा समावेश करने, भारतीय संस्कृति का ज्ञान करने, महापुरुष ओन एवं राष्ट्रीय भावना से जोड़ने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर के परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों विद्यार्थी इसमें भागीदारी निभाते हैं। भोपाल में लगभग 182,000 छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया। ये परीक्षा लगभग 170 विद्यालय और महाविद्यालय में ये परीक्षा आयोजित की गई है। भारतीय सांसद ज्ञान परीक्षा के जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि के रूप में महेश जैन, उपसंचालक शिक्षा भोपाल, ने अपने उत्पादन में कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा निश्चित ही बच्चों में अपनी संस्कृति से परिचित कराने का बहुत अच्छा माध्यम है। उन्होंने संयोजकों से आग्रह भी किया है कि ये परीक्षा का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर होना चाहिए, जिससे कि हमारी भारतीय परंपरा एवं उसकी रचनात्मक गतिविधियों से हमारी भावी पीढ़ी परिचित हो सके। लगभग 71 शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्राचार्य का सम्मान किया गया। भोपाल जिले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं का भी विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर पुरस्कार दिया। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के प्रदीप नीखरा, महेंद्र मरण, ओपी रावत, रमेश नागर, अमर धाकड़, महावीर पाटीदार सहित गायत्री परिवार के कई सदस्य ने भी अपनी भागीदारी दी। रमेश नागर, गायत्री शक्तिपीठ भोपाल। आज भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा जो शांति कुंज हरिद्वार द्वारा पूरे भारत ही नहीं विश्व में होती है, उस परीक्षा के परिणाम स्वरूप आज जिला स्तर के हमारे पारितोषिक वितरण रखा गया था, जिसमें हमारे यहाँ भोपाल जिले के जितने भी विद्यालय सम्मिलित हुए थे, उनके प्राचार्यों, उनके अभिभावकों और खासकर जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आए उनको पुरस्कार बांटे। और ये परीक्षा हमारी 1996 से संचालित है और आज विश्व स्तरीय भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा बन गई है, और इसे हम बड़े दिनों दिन और बढ़ाते जा रहे हैं ताकि बच्चों में नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक संस्कार आए, इसी यही हमारा उद्देश्य है। पाटीदार, अखिल विश्व गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के सदस्य हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की यह भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बच्चों में नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम एवं भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। सन 1996 से ये परीक्षा भोपाल से ही प्रारंभ हुई थी और आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज उसका ही पुरस्कार वितरण समारोह जिला स्तर पर, भोपाल जिले का पुरस्कार वितरण आज यहाँ गायत्री शक्तिपीठ अश्वमेध सभागार में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 जो है प्राचार्य और शिक्षक शिक्षिकाओं एवं 30 विद्यार्थी जो कि प्रवीण सूची में आए हैं उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ में जो है ये जो बच्चों ने भाग लिया है, इसमें हमारे यहाँ लगभग भोपाल जिले में 18,000 बच्चों ने भाग लिया और पूरे मध्य प्रदेश में 1 से 1.5 लाख बच्चे जो है इस परीक्षा में बैठे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।